आज हम पढ़ रहे हैं टेस्ट डिजिबिलिटी। टेस्ट डिजिबिलिटी मतलब क्या होता है? टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी मतलब कि हम देखते हैं कि कौन सी संख्या, जैसे मान लो कोई संख्या दी रहे, तो जैसे मान लो यहाँ पे है 2, 4, 6, 8, तो हम आसानी से जान लेते हैं। मान लो 2 ही डिजिट का हो गया, मान लो हो गया 18, 20, 24, 26, किससे डिवाइड होगा पता चल जाता है ना। लेकिन जब बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो हमको इसके बारे में नहीं पता चल पाता है। 3, 3 से ज्यादा संख्या आ गई, जैसे 240 हो गया, 280 हो गया, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको? एक टेस्ट डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक है। अगर जो डिविजिबिलिटी रूल जान जाएंगे तो आसानी से किसी भी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट बिना आंसर मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए ही टिक कर सकते हैं। जैसे अभी जो सिमिलर है, तीन टाइप, तीन है, 2, 5 और 10, 2, 5 और 10। अब देखो डिविजिबिलिटी ऑफ बाई टू का रूल क्या होता है कि इफ द वंस प्लेस, मान लो कोई डिजिट है जिनपे कोई डिजिट हम लिख रहे हैं, तो उसके वंस प्लेस पे, जैसे मान लो यहाँ पे 908 है, तो इस वाले प्लेस पे, वंस वाले प्लेस पे क्या होना चाहिए? तुम्हारा 0, 2, 4, 6 और 8 आएगा, तो वो क्या होगा? डिविजिबल बाई 2 होगा। कौन कौन सी डिजिट आएगी वंस प्लेस पे? इकाई के स्थान पे कौन कौन सा डिजिट आए कि वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा? 0, 2, 0, 2, देख लो 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। अगर जो यहाँ पे हम मान लो, जैसे यहाँ पे 908 है, ठीक, अब 908 को तुम डिवाइड करोगे तो 908 को डिवाइड करोगे 2 से कितने टाइम जाएगा? 2, 4 जा 8, 110, 2, 5 जा 10, 2, 4 जा, ठीक है, कट गया। फिर मान लो 906 ले लेते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2, 4 जा 8, 2, 5 जा 10, 2, 3 जा 6, ये भी डिविजिबल हो गया। अब मान लो वंस की प्लेस पे 904 लेते हैं और डिवाइड बाई 2 करते हैं, करो 2, 4 जा 8, 2, 5 जा 10, 2, 2 जा 4, ये भी डिविजिबल हो गया। अब मान लो हम 902 ले रहे हैं, फिर 2 से करो 2, 4 जा 8, 5, 2, 5 जा 10, 2, 1 जा 2। अब इसी तरीके से हम 0 ले रहे हैं वंस की प्लेस पे, अब देखो 2, 4 जा 8, 2, 5 जा 10 और 0 का 0 हो जाएगा। तो मतलब क्लियर है, किसी भी संख्या के वंस प्लेस यानी इकाई के स्थान पे अगर जो क्या क्या आता है, 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है और 8 आता है, तो वो डिविजिबल बाय क्या होगा? 2, ठीक है। उसमें कुछ सोचना नहीं है, कोई पूछे कि कौन कौन सी संख्याएं तुम्हारी 2 से विभाजित हो सकती हैं या डिविजिबल बाई 2 है, तो सीधे तुमको देखना है। जैसे देखो यहाँ पे 0 है, 30 में 0 है, तो ये भी डिविजिबल बाई 2 है। यहाँ पे वंस की प्लेस पे 2 है, तो ये भी डिविजिबल बाई 2 है। यहाँ पे वंस की प्लेस पे 4 है, तो भी डिविजिबल बाई 2 है। यहाँ 2 है वंस की प्लेस पे, तो भी डिविजिबल बाई 2 है। और 6 है, 8 है, तो भी डिविजिबल बाई 2। मतलब अगर जो तुम्हारे किसी भी इकाई के स्थान पे वंस के प्लेस में अगर जो तुम्हारा क्या आता है, 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तो वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो दूसरा क्या कहता है, डिविजिबल बाई, डिविजिबिलिटी बाई 5। अब देखो जैसे ही ये तीन रूल हैं, तीनों सिमिलर हैं, इसलिए मैंने एक साथ लिए हैं, नहीं तो 2, 2 के बाद 4, 3, 4, 6 ऐसे करके लेते। लेकिन ये तीनों सिमिलर क्यों हैं? क्योंकि सारे में वंस के प्लेस की वैल्यू ही डिफाइन करनी है। अब देखो डिविजिबिलिटी बाय 5 में क्या कह रहा है, इफ द वंस प्लेस इज हैविंग 5 एंड 0 देन गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो देखो अगर जो क्या कह रहा है कि अगर जो तुम्हारे वंस प्लेस पे या इकाई के स्थान पर क्या हो, 5 हो या 0 हो, तो वो डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा? 5। जैसे
फिफ्टी ले रहे हो, फिफ्टी ले रहे हो। अब देखो वंस की प्लेस में क्या है, फिफ्टी जगह पर फोर्टी ले लो, चलो फोर्टी ले लिए तो वंस की प्लेस में क्या है जीरो, तो क्या फोर्टी फाइव पे डिवाइड हो जाएगा? हाँ नहीं होगा, नहीं होगा, फाइव एट जा फोर्टी, ठीक है। ऐसे ही मान लो हंड्रेड है, वंस की प्लेस में क्या है जीरो, तो हंड्रेड क्या फाइव पे डिवाइड होगा? हाँ नहीं होगा, फाइव टू जा टेन और ट्वेंटी हो जाएगा, हो जाएगा ना। ऐसे ही तुम्हारा जस्ट सपोज करो 45 है, अब वंस की प्लेस पे क्या आ गया 5, क्या 5 से डिविजिबल है? 5 9 जा 14। तो मैं जो समझा रहा हूं क्या कह रहा हूं कि डिविजिबिलिटी बाय 5 में क्या होता है कि इकाई के स्थान में वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, 5 या 0 होना चाहिए। अगर तो 5 और 0 है तो वो डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा 5। जैसे इसका पहला क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है 65, 65 को 5 से डिवाइड करो, 5 बन जा 5, 15 5 3 जा डिविजिबल है। दूसरा क्वेश्चन ले लो, 5 से डिवाइड करो 185, 5 3 जा 15, कितना बचा 3, और 5 नीचे उतर आया 5 से बन जा डिविजिबल है, ठीक है। तो चाहे क्या हो, वंस की प्लेस पे 5 हो या वंस के प्लेस पे क्या हो 0 हो, तो वो डिविजिबल बाय क्या हो जाएगा 5। क्लियर है, याद रहेगा सबको। अब देखो तीसरा देख लो, तीसरा 10 में क्या कह रहा है, कुछ सोचना ही नहीं, 10 का मल्टीप्लाई करते जाओ, 10 का मल्टीप्लाई करो, 10 बन जा 10, 2 जा 10, 3 जा, ठीक है। मतलब जितना भी करोगे जीरो ही मिलेगा, 10 3 जा 30, जीरो आए, 10 चलो 6 जा ले लो कितना आएगा, जीरो आए, 10 10 जा लो जीरो आया। ऐसा कोई सा डिजिट बता दो जिसमें मल्टीप्लाई करने पर जीरो ना आता, वंस की प्लेस पे जीरो ना आता हो, बताओ। अब ये मत करना सर, बोल दो 1.8 में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेसिमल नहीं लेना है, हम सिर्फ कौन सी संख्या लेंगे, पूर्ण संख्या लेंगे, ठीक है, समझ में आई चीज। तो जब भी हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वंस की प्लेस पे क्या आता है, इकाई के स्थान पर जीरो आएगा आएगा, चाहे किसी संख्या से ले लो। चलो तुम अपने हिसाब से लो, 10 मल्टीप्लाई कितने का करें, 3-4 संख्या, किसी संख्या का ले, तुमको संख्या में नहीं याद आ रहा है, 265, तो 265 से मल्टीप्लाई करो, अभी वंस के प्लेस पे कहीं जीरो नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं 265 ऐसे लिख देते हैं, और एक जीरो है तो जीरो कितने तो आएगा, मैं गुणा करके देख लो, और देखो इसमें वंस की प्लेस पे क्या आ रहा है जीरो। तो डिविजिबिलिटी बाय 10 का रूल क्या है कि इफ द वंस प्लेस नंबर इज जीरो, अगर जो वंस के प्लेस पे इकाई के स्थान पर क्या आता है जीरो आता है तो क्या होगा, डिविजन वाई 10 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको, जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है 8 6 8 8 0, तो क्या ये डिविजन वाई 10 है? हाँ है, क्योंकि तो यहाँ लास्ट में जीरो, चलो हम चेक भी कर लेते हैं, 10 6 जा 8 टाइम का 8 और उतार लो, 10 8 जा एट कैंसिल, एट बचा तो जीरो उतार लो, फिर 10 8 जा तो डिविजिबल बाय 10 है कि नहीं है, ठीक। तो बस हमें इतनी चीजें ध्यान रखनी है, किसमें किसमें 2 5 10 में वंस के प्लेस की वैल्यू ही बताता है, क्लियर है।